नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज के लिए जो हमारा वीडियो है कोरोना वायरस के ऊपर, जिससे पूरा देश जूझ रहा है, लड़ रहा है, हम सब उनके साथ हैं और देश की सरकार और सरकार के जितने भी जो है आदेश हैं, जो उनकी आग्रह है, उसके साथ हम लोग हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमें ये कहते हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने घंटी की बटन नहीं दबाई होगी, क्योंकि 70% साथी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। वो सब्सक्राइब तो दबा दिए, घंटी की बटन नहीं दबाए, इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अब हमारे देश के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फेक न्यूज चलाना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप पे कई बार आपके सामने गलत न्यूज भेज दिए जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भेज दिए जाते हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बचाव करना है। और WHO ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन मोदी सरकार को नहीं दिया है। हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है इससे लड़ने के लिए, और आप अगर साथ देंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। क्योंकि आपको पहले मैं बता दूं कि कोरोना वायरस है क्या चीज। यह एक ऐसा जीवाणु है जो 12 घंटे ही जीवित रहता है, और जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर कोई भी सजीव चीजों में अपना जगह बनाता है। 12 घंटे तक अगर ये टच में ना आए तो ये स्वतः मर जाता है, अपने आप मर जाता है। इसीलिए तो लोगों को आइसोलेट यानी एकांत वातावरण में डाल देते हैं, जहां उसको वह किसी के संपर्क में ना आए और संपर्क से दूर रखे। जिन जिन देशों ने आइसोलेशन यानी एकांतवास किया, लोग अलग अलग खड़े हो गए, उन्होंने अपना अपना कंट्रोल कर लिया। इटली में जो इतने लोग मरे, उसका मूल कारण यह था कि वो मजाक बना रहे थे। हमने कई बार छुआछूत के खिलाफ बोला है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि आग को छू लेनी चाहिए, आग को छुएंगे तो हाथ जलेगी। रही बात ये, बहुत सारे मजाक मजाक में गले मिलकर दिखाते हैं, लेकिन वो फंस भी जाते हैं। आपने लखनऊ की घटना देखा होगा, लखनऊ में क्या कोहराम मचा हुआ है, लोग गाना सुन रहे थे, डांस देख रहे थे, अब वो परेशान होकर भागते फिर रहे हैं। अब रही बात यह है, ऐसी परिस्थिति में आपको साथ देना है। आपको ये नहीं देखना है कि मोदी सरकार है या योगी सरकार है, अखिलेश सरकार नहीं है, हम विरोध करेंगे। विरोध के नाम पे आत्महत्या ना की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामला स्वास्थ्य का है। और रही बात यह है कि अगर पूरा देश का नागरिक गंभीरता से ध्यान दे, ये कोरोना वायरस 2 दिन का खेल है। ऐसे भी कल पूरा देश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, और जनता कर्फ्यू का मतलब ये हुआ कि जनता खुद निकलना नहीं चाहती है। सरकार ने तो केवल ट्रेन, मेट्रो, DTC और जो भी गाड़ियां हैं उसको रोकी है, वह भी जनता से आग्रह करके। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रही है सरकार, बस आपसे जो है साथ मांग रही है कि आप हमें साथ दीजिए, हम लड़ेंगे। अब बहुत सारी सरकार ने तो इस पर काफ़ी कुछ ऐलान भी किया है। अब जैसे योगी सरकार ने कहा कि हम मजदूरों को कुछ पैसे देंगे, 1000-1000 रुपये ही सही। रही बात ये, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, हम कितना साथ दे रहे हैं। अब व्हाट्सएप वाले क्या सोचते हैं, फेक न्यूज चला दो, जनता को गुमराह कर दो। ये व्हाट्सएप वाले ये भी तो हो सकते हैं कोई देश के दुश्मन हो जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल बचाव ही इसका रास्ता है और कुछ नहीं है। बचाव क्या, आप 12-15 घंटे स्थिर हो जाएं, एक जगह हो जाएं, ज़्यादा आप छुएं नहीं, जैसे सीढ़ियों में चढ़ते हैं उसमें हाथ ना लगाएं। आप जानवरों को पालते होंगे, आपको आदत होगी उसका पीठ पोछने का, थोड़ा सा एकाध दिन के लिए दूर रहें। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लोग गैदरिंग में जो है इकट्ठे होते हैं, एक जगह इकट्ठे ना हो। अगर 1-2 दिन अगर ये सारी चीज़ें कर ली जाए, ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।